समझी। तो आखिरकार गालीबाज श्रीकांत पुलिस के हत्थे चढ़ गया, मगर कैसे, कहां और किसने की उसकी मदद, तमाम सवाल हैं जिसके जवाब आना बाकी हैं। लेकिन जानते हैं कहां मिला बदतमीज श्रीकांत। जी, बताया जा रहा है कि गालीबाज को यूपी के मेरठ से पकड़ा गया है। चार दिन से नोएडा पुलिस की 8 टीमें इसकी तलाश कर रही थी, तब जाकर शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ा। वैसे तो शोले का गब्बर याद होगा आपको, गब्बर पर 50,000 का इनाम पुलिस ने रखा था, मगर इस गालीबाज पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। खबरें हैं कि सभ्य समाज के अति सम्मानित व्यक्ति जनाब श्रीकांत जी का पता उसकी पत्नी की मदद से ही लगा। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी को दो दो बार हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, उसके बाद उसका फोन सर्विलांस पर लगा दिया गया था। जैसे ही श्रीकांत त्यागी ने अपनी पत्नी और वकील से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो बताते हैं उसी वक्त पुलिस ने उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। वैसे तो शातिर श्रीकांत बार बार लोकेशन बदल रहा था, मगर इस बार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर थी। सुबह जगने से पहले ही मेरठ में पहुंच गई, कई ठिकानों पर जाकर दबिश दे दी। यानी नोएडा पुलिस की टीम जिसे यूपी के साथ साथ उत्तराखंड हरियाणा में ढूंढ रही थी, वो यूपी में ही छिपा बैठा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसने इस गालीबाज की मदद की और कौन कौन वो मददगार हैं जिनकी वजह से इसने पुलिस की नाक में 4 दिनों तक दम किया हुआ था। तो खबर ये है कि जिस घर में ये छिपा बैठा था, अब पुलिस उस घर के मालिक की कुंडली निकाल रही है। पुलिस का दावा है कि जिस कार में बैठकर वो गौतम बुद्ध नगर से फरार हुआ था, वो कार भी जब्त कर ली है। उस कार पर यूपी विधानसभा का स्टीकर लगा है और बीजेपी का झंडा भी। मतलब हो सकता है कि त्यागी की मदद किसी बीजेपी के ही नेता ने की हो, क्योंकि उसकी पहुंच और रसूख के दम पर ही वो लोगों को धमकाता था, डराता था। अगर ऐसा हुआ तो योगी का बुलडोजर श्रीकांत त्यागी के मददगार नेताओं पर भी चल सकता है। अब आइए आपको बताते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि श्रीकांत त्यागी ने एक महिला को गाली दी। समझी, बस सलूकी की, धक्का मारा। और जब महिला ने पुलिस में मुकदमा किया, तो त्यागी ने ग्रेटर नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में अपने गुंडे भेजकर महिलाओं को पिटवाने तक की कोशिश की, ऐसा आरोप है। तो क्या अब त्यागी जेल में सड़ेगा, बड़ा सवाल है। बाबा का बुलडोजर, लेकिन हंगेल के इस लड़के का सारा भोकाल अब योगी की पुलिस क्या वाकई खत्म कर पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।